हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो भी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कि दोस्तों मैं यहां पे फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज करा रहा हूं, यानी भौतिक भी है ना, भौतिक भूगोल दोस्तों पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी रिसेंट में दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमारा जो जो सीरीज़ ख़त्म हुई वो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ ख़त्म हुई। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं दोस्तों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों एक बार ज़रूर जाके मेरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ देखें। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दोस्तों शुरू में हो सकता है पहली और दूसरी क्लास में आपको थोड़ा क्लियरली समझ में ना आए, क्योंकि बोर्ड्स थोड़ा दिक्कत करता था, बट अब आपके साथ ऐसा, उसके बाद आपको क्लियरली हर चीज़ दिखेगा और हर चीज़ अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों पहले मैंने शुरू किया था तो जो मुझे आइडिया नहीं था दोस्तों किस तरीके से यूट्यूब पे क्या होता है, किस तरह दोस्तों क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन की जाती है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता था। ठीक है, तो मैंने दो क्लासेस मात्र की, उसके बाद मैंने बोर्ड बदल दिया था। तो अब मैं ठीक है, देन इसके बाद आपको फिर सब कुछ अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप अगर जो भी नए हैं या जो जिन्होंने कहीं से ज्योग्राफी पढ़ रखी, तो एक बार प्लीज़ मेरे से ज़रूर देखें। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि आप क्वेश्चन को, ज्योग्राफी को फील करेंगे, ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ा जाता है आप ये सारी चीज़ें जान पाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे साथ पुराने जुड़े हैं उनको मेरे से मेरा दोस्तों धन्यवाद, और जो दोस्तों आकर दोस्तों मेरे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों उनका मेरे चैनल पर स्वागत है। ठीक है, और आपसे दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती पूरी देखें। सबसे पहली बात तो मैं आपको कह दूं दोस्तों, रिक्वेस्ट है मेरा कि दोस्तों आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, देन आपको फील होगा कि दोस्तों मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं और किस तरीके का मेरा कंटेंट है। मेन मैटर करता है दोस्तों कंटेंट कैसा है और मैं किस तरीके से आपको समझा ले पाता हूँ, ये सबसे मैटर करता है। ठीक है, तो आप मेरे से पहले पूरा वीडियो देखेंगे, देन आप फील करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आपसे ये, ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुनील कुमार है। ठीक है, मैं आपको आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए, हमारा दोस्तों टॉपिक चल रहा था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी में लास्ट में जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ाया था दोस्तों, मैंने बताया था पृथ्वी पर लगने वाले विभिन्न बलों को। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कुछ पृथ्वी पर आंतरिक बल लगते हैं, यानी कुछ एंडोजेनिक फोर्स लगते हैं, और कुछ दोस्तों एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, है ना, जिसको एक्सोजेनेटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ बाह्य बल लगते हैं पृथ्वी, कुछ आंतरिक बल लगते हैं। ठीक है, इसकी क्लास मैंने आपको इसलिए बताई थी क्योंकि आज उन जो बलों का यूज़ हम लोग करेंगे, और आज ही नहीं दोस्तों, जब तक हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, दोस्तों मैंने बताया था कि जो ज्योग्राफी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तीन पार्ट मेनली पार्ट के पढ़ते हैं। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी होता है, मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी होता है, तीसरा दोस्तों क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर फिजिकल ज्योग्राफी को दोस्तों हम लोगों ने दोस्तों चार पार्ट में बांट के पढ़ने के लिए कहा था। मैंने कहा था पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मतलब दोस्तों जिसमें अंतरिक्ष का जितना भी ज्ञान होता है दोस्तों, जैसे कि लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है ना, यानी अक्षांश एंड देशांतर है, इसके अंदर पढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों लाल ग्रह, नीला ग्रह, पीला, जो आठ जो दोस्तों ग्रह हैं और बाकी जो उपग्रह हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो और जितने क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सारी चीज़ें कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी मैंने क्या बताया दोस्तों, एक तो हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, बाकी और क्या पढ़ते हैं दोस्तों, और जैसे जैसे लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, जैसे माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ, पठार का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, और दोस्तों जो थ्योरीज है, जैसे वेगनर की थ्योरीज, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी दोस्तों हमारा चल रहा है इस समय, है ना। कॉस्मोलॉजी में दो चीज़ें पढ़ ली थी, कौन सी दोस्तों, हमें मैंने बताया था दोस्तों लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, देशांतर और अक्षांश, तो मैंने वो पहले ही क्लास में पढ़ाई थी आपको। और जो अब हमारा ज्योग्राफी में चल रहा है फिजिकल ज्योग्राफी में, वो दोस्तों दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट के अंदर दोस्तों हम लोग अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिससे हम लोग जानेंगे कि जैसे क्या कैसे था पहले, क्या जो आज कॉन्टिनेंट आज जैसे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, वो दोस्तों पश्चिम की ओर है, दक्षिणी अमेरिका दोस्तों दक्षिण पश्चिम की ओर है, दोस्तों यूरोप नॉर्थ की ओर है ना, ये सारे कॉन्टिनेंट क्या पहले भी ऐसा ही थे, इस चीज़ के बारे में अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। क्या है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन
सिद्धांत, पन सिद्धांत, कहीं कहीं पे दोस्तों लिखा होगा प्रवाह, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, और कहीं कहीं पे लिखा होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो दोनों चीज है, आप चाहे इसको या करके दोस्तों अगर किसी बुक में प्रवाह लिखा हो तो कोई वो भी गलत नहीं है, ठीक है। दोनों चीज को आपको समझते चलना है, ठीक है। ये दोस्तों ये क्या है दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, मैं आपको बता दूं, अल्फ्रेड वेगनर, ये जर्मन, ये दोस्तों जर्मनी के, दोस्तों जर्मनी के कौन थे दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी थे दोस्तों, है ना दोस्तों, जिसको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी दोस्तों मौसम विज्ञान का अध्ययन करते थे ये दोस्तों। भूगोल शास्त्री नहीं थे ये, ज्योग्राफर नहीं थे दोस्तों, ये दोस्तों कौन थे, ये मेट्रोलॉजिस्ट थे। आपको पहली चीज तो यही याद रखना है कि अल्फ्रेड वेगनर कौन थे दोस्तों, ये मेट्रोलॉजिस्ट थे, यानी मौसम विज्ञान का दोस्तों अध्ययन करते थे। और किस तरीके का मौसम का अध्ययन करते थे दोस्तों, ये पुरानों पैलियो कैसा दोस्तों, पैलियो है ना क्लाइमेटोलॉजी, किसका अध्ययन करते दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ लिख के दोस्तों। सबसे पहला देखो मैं इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो पहले आपको ये जानना है कि ये किसने दी थी थ्योरी दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। कब दी थी दोस्तों, 1912 में, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ आपको वैसे बनाते चलना। फिर दोस्तों इन्होंने दोस्तों इसमें क्या बताया, इसमें क्या अल्फ्रेड वेगनर ने दोस्तों थ्योरी दी, और क्या ये अल्फ्रेड वेगनर कौन थे दोस्तों, अभी मैं पहले अल्फ्रेड वेगनर के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, फिर दोस्तों हम थ्योरी की बात करें। अल्फ्रेड वेगनर दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर कौन थे दोस्तों, ये जर्मनी के दोस्तों कौन थे, मौसम वैज्ञानिक जर्मनी के कौन थे दोस्तों, मौसम वैज्ञानिक, ठीक है। इनके बारे में यानी दोस्तों मेट्रोलॉजिस्ट थे दोस्तों, मेट्रोलॉजिस्ट है ना, मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। और मौसम वैज्ञानिक थे दोस्तों, और इस किस तरीके का मौसम वैज्ञानिक थे दोस्तों, तो पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, अभी मैं बता रहा हूं दोस्तों, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी मतलब दोस्तों लॉजी, TOLOGY, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी मतलब, देखो जो पैलियो शब्द होता है इसका मतलब होता है दोस्तों पुराना, कहीं भी आपको दोस्तों जैसे पैलियो शब्द लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है प्राचीन, पुराना है ना, बहुत पुरानी चीज। तो दोस्तों ये मौसम वैज्ञानिक थे, बट किस तरीके के दोस्तों, तो पैलियो क्लाइमेटोलॉजी मतलब दोस्तों पुरानी जलवायु के बारे में अध्ययन करते थे, हजारों साल पहले या लाखों साल पहले दोस्तों किस तरीके का मौसम विज्ञान था दोस्तों, इस तरीके का दोस्तों ये अध्ययन कर रहे थे, ये इस तरीके पुरानी जलवायु का अध्ययन करते थे, ठीक है। आपको समझ में आया, मैंने बताया दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं है ना, वो कौन थे दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर, और इन्होंने ये सिद्धांत दोस्तों दिया है 1912 में, ठीक है। और ये अल्फ्रेड वेगनर कौन थे दोस्तों, तो ये जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे, यानी मेट्रोलॉजिस्ट थे। ये याद रखना कि ये भूगोल शास्त्र वेत्ता नहीं थे, ये ज्योग्राफर नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी में इनका नाम सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि दोस्तों ये ज्योग्राफर थे, तो नहीं थे, है ना, मौसम वैज्ञानिक थे। और ये किस तरीके का मौसम का अध्ययन करते थे, तो मैंने बताया दोस्तों ये पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, यानी पुरानी जलवायु लाखों साल पहले किस तरीके की जलवायु थी, क्या आज जिस तरीके की जलवायु पूरे विश्व में पाई जाती है, क्या उसी तरीके की जलवायु पहले भी थी, या कुछ परिवर्तन था पहले पर जलवायु में, उस तरीके के अध्ययन करते थे, कर रहे थे ये, ठीक है। तो ये चीज़ इतना चीज पहले इनके बारे में समझ में आया आपको, तो ये क्या कर रहे थे दोस्तों, ये पुरानी जलवायु यानी पुरानी पिछले लाखों साल पहले दोस्तों किस तरीके का पूरे विश्व में जलवायु या क्लाइमेट था, इसके बारे में ये अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आ गए, दूसरी चीज़ फिर हम देखते हैं दोस्तों, इन्होंने दोस्तों ये थ्योरी दोस्तों 1912 में दी थी, बट इनकी थ्योरी दोस्तों 1912 में पब्लिश नहीं हो पाई थी, ठीक है। इनकी पुस्तक है, पुस्तक का मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ये जान लो इन्होंने 1912 में दोस्तों क्या हुआ कि ये थ्योरी दी थी, बट 1912 में ये पब्लिश नहीं हो पाया। उसका रीजन ये था कि क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से दोस्तों इनकी थ्योरी के सिद्धांत की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट फिर 1920 और 22 के करीब आकर दोस्तों इनकी दोस्तों ये थ्योरी दोस्तों क्या हुई, पब्लिश हुई, लोगों के सामने आई, फिर लोगों ने इसका अध्ययन किया, ठीक है। तो दिया सिद्धांत 1912 में था, बट इनके पब्लिश कब हुई दोस्तों, ये जाके 1920-22 के अराउंड बीच में कहीं पर पब्लिश हुई, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है।
ठीक है। ये तो हमने दोस्तों आपको अल्फ्रेड वेगनर के बारे में थोड़ा बता दिया, क्योंकि जब तक मैं दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले उनके प्रतिपादक जो है उनके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेंगे। तो और हमने ये भी बता दी ये है ना पैलियो क्लाइमेटोलॉजी थे, यानी पुरानी जलवायु किस तरीके को उसका अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, ठीक। तो अब हम फिर इनकी बात में आगे आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब आराम से मैं इसको मिटा रहा हूँ। हमने एक बात कर ली किसके बारे में दोस्तों, तो अल्फ्रेड वेगनर के बारे में। देखो, ठीक है, देखो एक चीज और बता दो दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर से भी एक और ज्योग्राफर थे यानी भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम है दोस्तों टेलर, एफ बी टेलर। आप अगर बुक पढ़ेंगे जैसे कि आप सविंदर सिंह की या कोई अच्छी बुक्स पढ़ेंगे जो ऑप्शनल लेवल की जो बुक्स होगी उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों एफ बी टेलर ने भी दोस्तों क्या दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। बट दोस्तों उसको दोस्तों क्या है नहीं पढ़ते हैं, जो ऑप्शनल लेते हैं ज्योग्राफी में दोस्तों उसको वो पढ़ते हैं। ठीक है, वो मैं वो भी पढ़ा देता, उससे पहले भी दोस्तों एक और थ्योरी होती है दोस्तों नेबुला थ्योरी दोस्तों, उसको भी पढ़ते हैं, है ना दोस्तों, हेरॉस की दोस्तों वो थ्योरी है। बस उन इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस में दोस्तों रहता है वो दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत रहता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ रखना है। तो कभी अगर आपको प्री में अगर कभी पूछ लिया जाए मान लो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, और उसमें दोस्तों क्या हुआ जर्मन की भूगोल शास्त्र वेत्ता अल्फ्रेड वेगनर का नाम ना हो उसकी जगह पे एफ बी टेलर हो, तो आप एफ बी टेलर को भी सही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दो लोगों ने दिया है, एफ बी टेलर ने भी दिया है और दोस्तों जर्मन भूगोल शास्त्र वेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने भी। ठीक है, यानी दोस्तों आपको याद रखना है एफ बी टेलर ने भी दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है और दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने, बट अल्फ्रेड वेगनर दोस्तों एफ बी टेलर ने इनसे पहले दिया, इसके बाद इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना उनकी थ्योरी ज़्यादा मान्य नहीं है, इसलिए दोस्तों उसको नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत उसमें बहुत सारी कमियां थी। इनकी थ्योरी थोड़ी लॉजिकल लगती है, इसमें भी कमियां हैं, इस तभी आगे की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो हमने ये चीज़ बता दी आपको कि प्री में दोस्तों हो सकता है कि जर्म इनका अल्फ्रेड वेगनर का नाम ना होके दोस्तों एफ बी टेलर का नाम दिया हो तो भी आपको एफ बी टेलर सही रहेगा, उन्होंने भी दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी दी थी। ठीक है, वो सिर्फ आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि अभी हो सकता है कि बाई चांस, क्योंकि आजकल पेपर में क्या है ना दोस्तों खेल खेलते बहुत हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं वो नहीं देते हैं और जो उसके पीछे थोड़ा छुपा होता है उसको उजागर करते हैं वो लोग। तो हमने छुपा हुआ तथ्य भी आपको बता दिया, हर बुक्स में दोस्तों आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, कोई इसको तरह पढ़ाएगा भी नहीं आपको, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, आप पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के थ्योरी के बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो मैं इसको दोस्तों थोड़ा मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ और फिर मैं आपको वर्ल्ड का मैप बना के दिखा रहा हूँ। आपको भी दोस्तों प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से मैं मैप बनाऊंगा, टाइम थोड़ा आपको हो सकता लगे शुरुआत में, मुझे भी लगता था और मुझे अभी भी लगता है। देखो मैं वर्ल्ड का मैप बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं वर्ल्ड का मैप बनाने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको।
ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्या हुआ हमारा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। तो एक कुछ तरीके इस तरीके से हमारा क्या है दोस्तों, पूरा विश्व है। ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया इसको, थोड़ा एक सेकंड दोस्तों, वरना फिर मैं अगर सब बड़ा बनाऊंगा तो मैप आएगा नहीं इस पर, इसलिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आप हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, मुझे थोड़ा कम टाइम लगा है, बट आप लोग ही दोस्तों इस तरीके से बनाने की बस आप लोग प्रैक्टिस किया करिए इसको। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों कुछ इस तरीके से एग्जैक्ट, तो दोस्तों मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट तो मुश्किल ही है बनना, बट कुछ इस तरीके से दोस्तों क्या होता है हमारा वर्ल्ड होता है। ठीक है, एग्जैक्ट दोस्तों बस हमको लगना चाहिए कि दोस्तों वर्ल्ड जैसा है, बस इतना लगना चाहिए हमको ना, ताकि हम उसको कह सकें कि दोस्तों ये हमारा वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा वर्ल्ड है पूरा, और ये हल्का सा यहाँ पे दोस्तों कैनाल बना दी हमने। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वर्ल्ड है का मैप है, ये ग्रीनलैंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा वर्ल्ड का मैप है। ये दोस्तों क्या है हमारा, यूरोप है। ठीक है, ये फिर यहाँ पे दोस्तों ये पूरा एशिया है, ये पूरा इतना पूरा एशिया में आता है। इधर दोस्तों क्या है, सॉरी दोस्तों, जिधर एशिया होना चाहिए ये एशिया है दोस्तों, और इधर ये यूरोप है। ठीक है दोस्तों, यूरोप है, और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जानते हैं, ये अफ्रीका है दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका। तो ये मैप है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों क्या कहा, जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने देखा दोस्तों कि जब उन्होंने, मैंने क्या बताया दोस्तों, ये क्या अध्ययन कर रहे, ये पुरानी जलवायु के बारे में अल्फ्रेड वैगनर अध्ययन कर रहे थे। तो अल्फ्रेड वैगनर ने दोस्तों क्या बताया, बताया कि दोस्तों यहाँ पे यूरोप में दोस्तों आज जहाँ पे यहाँ पे जो ठंडी हो रही है दोस्तों, कभी यहाँ पे दोस्तों क्या था दोस्तों, बहुत गर्मी होती थी और बहुत तीव्र वर्षा होती थी। ठीक है, उन्होंने ये बताया। ठीक है, इसी तरह दोस्तों उन्होंने बताया कि अफ्रीका, जो अफ्रीका जो दोस्तों जो जहाँ पे दोस्तों 0 डिग्री पास होती, आज जहाँ पे यहाँ पे गर्मी हो रही है और जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों, और यहाँ पे कभी क्या होता था, बहुत साल पहले दोस्तों क्या होता था, मिलियन साल पहले दोस्तों क्या होता था, यहाँ पे ठंड पड़ती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। ठीक है, इसी तरह दोस्तों उन्होंने यहाँ भी बताया दोस्तों, यहाँ पे कुछ दोस्तों क्या है कि जैसे यहाँ पे आज ठंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या था दोस्तों, गर्मी पड़ती थी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया, जो बताया दोस्तों आज इंडिया में दोस्तों क्या है, कई तरीके का दोस्तों मौसम होता है, परिवर्तन होता है, बट यहाँ पे दोस्तों कभी क्या था, इंडिया दोस्तों क्या था, हमेशा दोस्तों बर्फ से ढका रहता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। तो उन्होंने बताया दोस्तों इस तरीके से बताया, तो उन्होंने फिर बताया दोस्तों कि जब इस तरीके का क्लाइमेट है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों देखो, इन्होंने बताया कि दोस्तों है ना, मैंने बताया क्या दोस्तों, कि यहाँ पे दोस्तों कभी गर्मी और कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती थी बहुत साल पहले, आज जो है ठंड पड़ती है, यहाँ पे दोस्तों कभी क्या होती थी, बहुत बारिश बहुत ठंड पड़ती थी। इसी तरह दोस्तों अफ्रीका का भी इन्होंने एग्जांपल दिया कि आज यहाँ पे दोस्तों बहुत बारिश और बहुत ठंड पड़ती है, और सॉरी दोस्तों गर्मी बहुत तापमान है, बट कभी दोस्तों ये क्या था, बहुत ठंडा प्रदेश हुआ करता था। तो इसके पीछे का इन्होंने रीज़न बताया कि दोस्तों दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो दोस्तों क्या है, ये कॉन्टिनेंट दोस्तों शिफ्ट होकर दोस्तों एक इधर आए हों, ठीक है, या तो क्या हुआ हो दोस्तों, या तो दोस्तों क्या हुआ, ये कॉन्टिनेंट का दोस्तों क्या हुआ हो, कहीं इधर उधर विस्थापन हुआ हो, या तो हो सकता है कि दोस्तों क्या है कि दोस्तों जो क्लाइमेटिक जोन है उनका दोस्तों क्या हुआ, शिफ्ट हुआ हो, या वो क्लाइमेटिक जोन में परिवर्तन हुआ हो, या हो, या तो दोस्तों क्या हुआ है कि ये जो आज कॉन्टिनेंट जो इस स्थिति में हम देख रहे हैं दोस्तों, इस स्थिति में ना होकर दोस्तों ये कहीं और थे, है ना, ये दोस्तों अफ्रीका यहाँ ना होकर दोस्तों अटलांटिक अंटार्कटिका में होगा, ये दोस्तों क्या है उत्तरी अमेरिका यहाँ ना होगा दोस्तों ये इक्वेटर पे होगा, और ये जो यूरोप यहाँ पे ना होकर दोस्तों इक्वेटर पे होगा, ऐसा ही दोनों इन्होंने कहा कि हो सकता है ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है, इन्होंने इन्होंने दोस्तों अपने सिद्धांत में यही कहा, इन्होंने कहा कि दोस्तों कि देखो इस तरीके के परिवर्तन होने के दोस्तों क्या बताया उन्होंने, दो रीज़न बताए। पहला रीज़न उन्होंने बताया, या तो दोस्तों क्या है कि ये कॉन्टिनेंट आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में ना होकर दोस्तों कहीं, है ना, कहीं और होंगे, मतलब इस स्थिति में है ये स्थिति नहीं थे पहले, कुछ और स्थिति थी, या तो उन्होंने बताया कि दोस्तों
कि दोस्तों या तो जो क्लाइमेटिक जोन आज हम लोग देखते हैं देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 23.5 डिग्री गुजरता है, फिर 65.5, फिर 90 डिग्री, ये यहाँ पे ना होकर दोस्तों इनका चेंज हुआ हो या ये परिवर्तित हुआ है। तो फिर इन्होंने बताया कि दोस्तों क्लाइमेटिक जोन या जलवायु का जो क्षेत्र है उसको उसके परिवर्तन का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। उसको परिवर्तन होना मतलब उसका जो शिफ्टिंग होना बहुत इम्पॉसिबल है, वो दोस्तों नहीं हुआ था। बट उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्टिनेंट है इनका विस्थापन हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, यानी इनका दोस्तों क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह स्थापन हुआ। फिर इन्होंने दोस्तों अपनी थ्योरी देनी शुरू कर दी, ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में यही बात कही पहले, ठीक है, बात समझ में आई मेरी आपको, ठीक है, थ्योरी में बात समझ में आ गई हुई। फिर इन्होंने बताया दोस्तों, इन्होंने क्या कहा दोस्तों, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर इन्होंने बताया कि दोस्तों क्या है कि आज जो कॉन्टिनेंट हम इस अवस्था में देख रहे हैं, पहले ये जो कॉन्टिनेंट और जो ये ओशियंस थे इस तरीके से नहीं थे, ठीक है, पहले ये किसी और अवस्था में, तो उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों कि इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न क्लाइमेटिक जोन पुरानी क्लाइमेटिक परिवर्तन को देखा इन्होंने, और इन्होंने कहा कि दोस्तों ये जो आज की क्लाइमेट है, जो पूरे विश्व में आज जिस तरह की क्लाइमेट है, इस तरह की क्लाइमेट पहले नहीं थी, इसमें कुछ परिवर्तन था। और इस परिवर्तन के पीछे इन्होंने दो कारण बताए। पहला कारण इन्होंने कहा कि दोस्तों कि हो सकता है कि दोस्तों क्लाइमेटिक जोन दोस्तों जो है परिवर्तन हो, पहले कहीं और रहे हों या इनका परिवर्तन हुआ हो, ठीक है, जो आज संभव नहीं, जिसके कुछ कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि क्लाइमेटिक जोन कभी परिवर्तन हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये क्लाइमेट दोस्तों, ये दोस्तों जो कॉन्टिनेंट है आज जिस स्थिति में दिख रहे हैं, ये पहले इस स्थिति में नहीं थे, ये कुछ और थे, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये हो सकता है कि कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, ये संभव है। तो इसी थ्योरी को दोस्तों उन्होंने आगे बढ़ा, उन्होंने कहा कि क्या था कि जो आज कॉन्टिनेंट का आज हम स्वरूप देख रहे हैं वो पहले ऐसा नहीं था, और जो आज महासागर का हम जो स्वरूप देख रहे हैं वो पहले ऐसा नहीं था। कैसा था दोस्तों, उन्होंने बताया, तो कैसा था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कैसा था दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसा था तो दोस्तों उन्होंने बताया कि जैसे कि ये अर्थ है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये गोल दोस्तों क्या है, अर्थ है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि दोस्तों ये जो अर्थ है, दोस्तों ये इस तरीके से, दोस्तों ये जो अर्थ है ये दो पार्ट में पहले बटी हुई थी, पहले दो पार्ट में बटी हुई थी पूरा अर्थ। दो पार्ट में कौन कौन से पार्ट में दोस्तों, तो बताता हूं मैं दोस्तों। दोस्तों ये दोस्तों जो है, ये वाला जो पार्ट मैंने बताया इसको बताया इन्होंने, ये कॉन्टिनेंट यानी दोस्तों ये क्या था, ये लैंड था, ये दोस्तों कॉन्टिनेंट था, ठीक है। और ये वाला जो मैंने पार्ट बनाया दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पे दोस्तों क्या था, चारों तरफ पानी भरा था। इन्होंने बताया पहले अर्थ इस तरीके से थी, इन्होंने कहा कि दोस्तों पहले अर्थ दोस्तों इस तरीके से थी, ठीक है, ठीक है। ये आज जो हम लोग तीन महासागर देखते हैं दोस्तों, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये दोस्तों पहले एक ही थे, है ना, और क्या था, पूरा एक ही था। और इसके बीच में दोस्तों इसको, है ना, इसके बीच में दोस्तों एक लैंड फॉर्म था, ठीक है। इसको दोस्तों इन्होंने क्या कहा, दोस्तों ये जो था, इसको जो पूरा दोस्तों देख रहे हैं वाटर वाला पार्ट, इनको इसको दोस्तों इन्होंने कहा सुपर ओशियन, यानी दोस्तों एक बड़ा महासागर था पहले, तीनों महासागर की जगह पहले एक महासागर था। और जो आज हम लोग दोस्तों अलग अलग फैले देख रहे हैं जो कॉन्टिनेंट को, वो दोस्तों पहले इस तरीके से नहीं थे, पहले एक ही में मिले हुए थे। और इस ये इकट्ठे हुए भाग को दोस्तों इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट कहा, ठीक है दोस्तों, सुपर कॉन्टिनेंट बताया इन्होंने, ठीक है, ये बताया, ठीक। इस सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर ओशियन को दोस्तों इन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों, इस सुपर ओशियन को दोस्तों इन्होंने नाम दिया दोस्तों पेंथलासा, क्या नाम दिया दोस्तों, पेंथलासा, सुपर ओशियन को। यानी जो आज हम लोग तीन महासागर देख रहे हैं, ये पहले तीन महासागर नहीं थे बड़े, पहले एक ही महासागर था। और महासागर को क्या बोल, उसको उन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों, पेंथलासा का, ठीक है, ये सब वो बता रहे हैं दोस्तों। और सुपर कॉन्टिनेंट जो है, जो दोस्तों आज जो हम लोग देखते हैं वो उस तरीके से ना, पहले क्या था, पूरा एक ही जगह थे, तो उसको दोस्तों उन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों, पेंजिया बोला, क्या बोला दोस्तों, पेंजिया, है ना। तो पूरा अर्थ जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एक ओशियन वाला पार्ट जिसको दोस्तों पेंथलासा बोलते कहा उन्होंने, और दोस्तों एक लैंड वाला भाग जिसको उन्होंने पेंजिया कहा, ठीक है। ये
किस स्थिति कब 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 बता रहे हैं दोस्तों, ये लगभग 225 मिलियन ईयर्स पहले, 225 मिलियन ईयर्स पहले मतलब लाख साल पहले, है ना, 225 मिलियन ईयर पहले, ठीक है। फिर ये और ये जो युग था ये कौन सा युग था कहा जाता है दोस्तों, कार्बोनी फेरस युग। इन्होंने कहा कार्बोनी फेरस युग में दोस्तों क्या था, जो अर्थ थी दोस्तों, अर्थ दो पार्ट में भाग दो भागों में विभाजित थी, जो एक भाग में दोस्तों पानी था, दूसरे भाग में दोस्तों लैंडफॉर्म था। पानी वाला भाग दोस्तों क्या था, उसको उन्होंने पेंथलासा नाम दिया, और दोस्तों लैंड वाले भाग को उन्होंने दोस्तों क्या किया दोस्तों, पेंजिया नाम दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, कार्बोनी फेरस के अंतिम युग में, अंतिम अंतिम समय में दोस्तों क्या हुआ, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो पेंजिया, इसका पुनः इस ये क्या हुआ, इसका विभाजन हुआ, है ना, इनका क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये दोस्तों कार्बोनी फेरस के अंतिम दिनों में दोस्तों क्या हुआ, ये जो जो पेंजिया है दोस्तों, ये दो पार्टों में बढ़ गई, दो पार्टों में टूट गई दोस्तों, है ना, दो पार्टों में क्या हुआ दोस्तों, ये टूट गई, ब्रेक हो गई, है ना। अब इन्होंने टूटने का दोस्तों क्या कारण बताया, इन्होंने बताया दोस्तों कि ये इस पर दोस्तों दो तरीके से फोर्स, देखो मैंने बताया, देखो अब फोर्स की बात आ गई, मैंने इसलिए तो आपको कल परसों दोस्तों फोर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था। इन्होंने कहा कि अर्थ पे दोस्तों क्या हो रहा है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स कौन से है दोस्तों, तो सन और दोस्तों मून का गुरुत्वाकर्षण बल, सन और मून के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों क्या हुआ, ये जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया, ठीक है। जब ये दो भागों में टूटा तो इसके दोस्तों नॉर्थ वाले पार्ट को दोस्तों इसका नाम दिया गया दोस्तों अंगारा लैंड, क्या नाम दिया दोस्तों, अंगारा लैंड या इसको लॉरेंसिया भी बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसको जो साउथ वाला जो पार्ट है, जो टूट के जो ये नॉर्थ वाला पार्ट टूट हो गया, और ये दोस्तों साउथ, इसको दोस्तों बोला गया गोंडवाना लैंड, क्या बोला दोस्तों, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये दो पार्टों में बढ़ गया, ठीक है। बात इनकी यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों, फिर इन्होंने कहा दोस्तों, इनका दोस्तों क्या हुआ, अगेन दोबारा फिर से दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का पुनः विभाजन हुआ, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों ये फिर से टूटे। और जब ये टूटे दोस्तों, तो इसने इन्होंने बताया कि दोस्तों ये जो अंगारा लैंड है, ये यूरोप, ठीक है, यूरोप, ठीक, और दोस्तों उत्तरी अमेरिका और एशिया के कुछ पार्ट में विभाजित हो गया, ठीक है। और दोस्तों फिर इन्होंने, है ना दोस्तों, इनका मेजर दो ही पार्ट ही लिखते हैं दोस्तों, एक तो उत्तरी अमेरिका दोस्तों, और दूसरा क्या वो दोस्तों, दूसरा यूरोप, ठीक है, है ना, और कुछ में कुछ एशिया का भी पार्ट कुछ हो जाता है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड जो है दोस्तों, वो दोस्तों इन्होंने बताया किस में टूटा दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका दोस्तों, अफ्रीका, इंडिया एवं ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी अफ्रीका दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड के चार पार्ट हैं दोस्तों, है ना, इन्होंने बताया चार पार्टों में विभाजित हुआ, पहला तो दक्षिणी अमेरिका इन्होंने नाम दिया, दूसरा दोस्तों क्या कहा दोस्तों, अफ्रीका, और तीसरा भारत, और चौथा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अंगारा लैंड दो पार्ट में विभाजित हुआ दोस्तों, एक तो उत्तरी अमेरिका दोस्तों, ये और यूरोप, ठीक है, यूरेशिया कह सकते हो, एशिया दोस्तों उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में विभाजित, ठीक है, अब आपको समझ, यूरेशिया में विभाजित हुआ, ठीक है। ये अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ, देखो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इधर ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ, पुनः विभाजन, आप समझे हैं, पुनः इसका विभाजन हुआ कहाँ, किस किस पार्ट में, एक तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका, दूसरा दोस्तों यूरेशिया, है ना, एशिया और यूरोप का कुछ भाग, यूरोप पूरा और एशिया का कुछ भाग, ठीक है। और ये जो गोंडवाना लैंड है, इसका विभाजन हुआ दोस्तों चार पार्ट में, पहला पार्ट था दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में टूटा ये दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, तीसरा दोस्तों इंडिया यानी भारत, इंडिया दैट इज भारत दोस्तों, है ना, और चौथा दोस्तों हमारा प्यारा भारत होगा, चौथा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये विभाजित हुआ, विभाजित होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, ये जो अंगारा लैंड के जो पार्ट है दोस्तों, है ना, पार्ट है दोस्तों, इनके ज्वारीय बल के कारण दोस्तों ये क्या हुआ दोस्तों, ये वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर विस्थापित हो गए, इनके विस्थापन से, पश्चिम की ओर के विस्थापन से दोस्तों क्या हुआ, एंडीज एवं रॉकीज पर्वतों का निर्माण हुआ, है ना, एंडीज पर्वत एवं रॉकीज पर्वत का, है ना। और ये दोस्तों जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड दोस्तों क्या हुआ, उत्तर की ओर प्रभावित हुआ या भूमध्य रेखा की ओर दोस्तों ये विस्थापित हुआ, ठीक है। इन्होंने कहा कि दोस्तों, तो फिर से सुनना मेरी बात, जब ये अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड पुनः जब विभाजित हुआ, तो विभाजित होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, अंगारा लैंड दोस्तों वेस्ट की ओर प्रभावित हुआ, मतलब वेस्ट की ओर बहा,
है ना, वेस्ट की ओर इसने विस्थापन किया। और दोस्तों ये गोंडवाना लैंड है, ये उत्तर की ओर या दोस्तों भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा की ओर दोस्तों ये विस्थापित हुआ। इसका विस्थापन कारण दोस्तों इन्होंने बताया, इस पर दोस्तों टाइडल फोर्स लगा, यानी जो चंद्रमा का दोस्तों क्या होता है दोस्तों ज्वारीय बल दोस्तों इस पर काम किया, जिसकी वजह से दोस्तों ये क्या हुआ वेस्ट की ओर हुआ। और दोस्तों ये क्या हुआ दोस्तों गोंडवाना लैंड दोस्तों जो किसकी वजह से दोस्तों गया ये, तो ये दोस्तों बॉयंसी है ना, उत्प्लावन का बल इस पर एक कार्य करता है दोस्तों, और दूसरा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कारण दोस्तों ये क्या हुआ दोस्तों नॉर्थ की ओर दोस्तों विभाजित हुआ है ना, ये गया आगे। ठीक है, तो ये दो रीजन थे दोस्तों, इन्होंने इसको बताया इस तरीके से दोस्तों, इन्होंने बताया कि इस तरीके से आज जो हम स्वरूप देखते हैं वो इस तरीके से था। ठीक है, बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना इनका ये सिद्धांत था। ठीक है, इन्होंने फिर क्या हुआ दोस्तों, जब ये क्या हुआ दोस्तों, जब ये नॉर्थ अमेरिका में विभाजित हुआ ये दोस्तों अंगारा लैंड दोस्तों, जब नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में विभाजित हुआ तो नॉर्थ अमेरिका विस्थापित होकर दोस्तों पश्चिम की ओर गया, तो इसके बीच में दोस्तों क्या हो गया एक सागर बन गया है ना। और ये जब गोंडवाना लैंड का दक्षिणी भाग जब पश्चिम की ओर विभाजित हुआ तो ये इसके बीच में एक सागर बन गया, जिसको दोस्तों हमने बोल दिया अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये जब गोंडवाना अंगार देखो जब अर्थ दोस्तों जब पेंजिया में थी, जब गोंडवाना और अंगारा लैंड में जब ये टूटी तो दोस्तों ये जो बीच में जो भाग था है ना, अब ब्रेक हुई तो दोस्तों पानी भर जाएगा दोस्तों, क्या होगा अब जैसे ये ब्रेक हुई, अब ये ब्रेक होगी तो दोस्तों ये वाला जल क्या होगा दोस्तों, इधर देखो ये वाला जल दोस्तों क्या होगा, ये ब्रेक हो गई, मान लो ये ब्रेक हो गई, ये ब्रेक हो गई, तो ये वाला जो पानी है जो ये है ये दोस्तों क्या होगा यहाँ भर जाएगा, कि नहीं भर जाएगा दोस्तों ये वाला पानी। तो इसी को दोस्तों जियो सिंक्लाइन बोला, यानी भू सन्नति हिंदी में बोलते हैं, और इसी को दोस्तों तेथिस सागर बोला इन्होंने, क्या बोला दोस्तों तेथिस सागर। ठीक है, इसी तेथिस सागर की वजह से दोस्तों आज हमारा हिमालय का निर्माण हुआ, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो तेथिस सागर का इस तरीके से निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, फिर दोस्तों क्या हुआ इसके बीच दोस्तों क्या हुआ, जब हिंद महा जब जो जो इंडिया है दोस्तों जब ये उत्तर की ओर प्रभावित हुआ तो इसके वजह दोस्तों क्या हुआ हिंद महासागर का निर्माण हुआ। प्रशांत महासागर का दोस्तों ये दोनों तरफ से दोस्तों क्या है इस तरीके वाला, इधर वाले जो क्षेत्र जो एरिया थे यानी जो यूरेशिया इधर की ओर गया तो ये वाला जो, और फिर इधर वाला ये पूरा दोस्तों प्रशांत महासागर। इसलिए आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर दोस्तों पूर्व एवं पश्चिम दोनों तरफ का, पूर्वी प्रशांत महासागर पश्चिमी प्रशांत महासागर दोनों सर आपको दिखा, क्योंकि दोस्तों अर्थ पे दोस्तों आप जब देखेंगे तो वो पीछे से भी पूरा गोल होता है। हम दोस्तों हमारे पास 3D वाला नहीं होता ना, मतलब 2D होता है, 2D डायमेंशन हम लोग देखते हैं, तो इसी वजह दोस्तों क्या होता है वो हम उसका सामने वाला पार्ट दोनों आगे सामने पीछे वाला पार्ट भी दोस्तों आगे पीछे सामने रख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये इनकी थ्योरीज थी, थ्योरी बस इनकी इतनी ही थी। ठीक है, ये इनकी थ्योरी थी। ठीक है, इनकी थ्योरी में दोस्तों इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं बताया। अब इनकी थ्योरी में दोस्तों इन्होंने कुछ प्रूफ दिए थे कि जो जो आज हम लोग देख रहे हैं कि दोस्तों इन्होंने फिर कहा कि दोस्तों ठीक है इन्होंने कुछ अपने तर्क भी दिए थे जिसके बारे में हम लोग दोस्तों कल बात करेंगे कि इन्होंने कैसे प्रमाणित किया कि दोस्तों ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े पहले आपस में जुड़े हुए थे बाद में ये अलग अलग हुए हैं ये कैसे इन्होंने प्रमाणित किया तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो हम लोग कल इस पर अगली क्लास दोस्तों करेंगे। ठीक है, आपको ये थ्योरी समझ में आ गई ना इन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। मैं दोस्तों आपको एक बार संक्षेप में बता देता हूँ। देखो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दोस्तों क्या है इसको दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मन के दोस्तों भूगोल सॉरी दोस्तों मेट्रोलॉजिस्ट थे यानी मौसम विज्ञान थे जो किस तरीके के मौसम का अध्ययन करते दोस्तों पुरानी यानी पैलियो क्लाइमेटोलॉजी यानी पुराने जो जलवायु थे उसके बारे में अध्ययन करते थे। इसी का जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने बताया दोस्तों कि ये जो आज जो हम लोग क्लाइमेट देखते हैं दोस्तों पूरे वर्ल्ड में ये पहले इस तरीके से नहीं था। मतलब दोस्तों इसी तरीके से था, मतलब दोस्तों आज जैसे कि जो हम विभिन्न विभिन्न जो जो कॉन्टिनेंट में आज हम जलवायु देखते हैं पहले दोस्तों पहले जो आज जैसे कि हम लोग दोस्तों अफ्रीका में देखते हैं बहुत जो इक्वेटोरियल वाला जो एरिया है बहुत वहाँ पे बारिश और क्या होती है गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो बट कभी क्या था इस वाले क्षेत्र में दोस्तों कभी बहुत ठंड पड़ती थी है ना। तो इन्होंने बताया कि दोस्तों जैसे यूरोप वाले एरिया जो आज है जिसमें आज दोस्तों हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, बट यहाँ कभी क्या होता था दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश और दोस्तों क्या होती गर्मी पड़ती थी। तो इसके पीछे का इन्होंने रीज़न बताया, इन्होंने कहा कि ऐसा दो ही कारण से हो सकता है। एक तो दोस्तों क्या है कि या तो दोस्तों पहले क्लाइमेटिक जो जोन था आज उसमें परिवर्तन हो गया है यानी पहले जो क्लाइमेट का क्षेत्र था वो बदल गया है और आज हम लोग जो तरीके देख रहे हैं उस तरीके का क्लाइमेटिक जोन नहीं था। यानी या तो क्लाइमेटिक जोन में परिवर्तन हुआ होगा या तो दोस्तों क्या है कि ये जो कॉन्टिनेंट आज जिस स्थिति में देख रहे हैं वो इस स्थिति में ना हो वो कुछ और थे। ठीक है, उनका दोस्तों क्या हो यहाँ पर विस्थापन होकर आया।
तो इसी को लेकर दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अपना आगे का सिद्धांत और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि दोस्तों आज जो हम अर्थ की जो संरचना देख रहे हैं वो इस तरीके से नहीं था। कार्बोनिफेरस युग यानी 225 मिलियन ईयर्स पहले दोस्तों क्या था, ये दोस्तों जो अर्थ था पूरा जो अर्थ है वो दो पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है, एक पानी वाला भाग था और दूसरा लैंड वाला भाग था। पानी वाले भाग को दोस्तों उन्होंने कहा कि है ना ओशियन दोस्तों, है ना ओशियन, है ना सुपर ओशियन उन्होंने बताया, यानी बड़ा महासागर उन्होंने कहा, महान महासागर, और उसको दोस्तों उन्होंने नाम दिया दोस्तों पेंथलासा। और जो पेंजिया था दोस्तों उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट, है ना, जो लैंड वाला भाग था, जो भूमि वाला भाग था, जो कॉन्टिनेंट वाला भाग था उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट बताया, और उसका नाम दोस्तों उन्होंने पेंजिया बताया। फिर ये बताया दोस्तों कार्बोनिफेरस के अंतिम युग में दोस्तों क्या हुआ, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा, पृथ्वी का दोस्तों फोर्स लगा दोस्तों, और सन और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगा, जिसके कारण से दोस्तों क्या हुआ, पेंजिया दो बराबर भागों में टूट गया, ठीक है, दो भागों में टूट गया, ठीक है। इनके टूटने से दोस्तों क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ तो दोस्तों क्या हुआ, इसके बीच में दोस्तों एक जियोसिंक्लाइन उपस्थिति हुई, जिसको दोस्तों हम लोग तेथिस सागर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये दोस्तों जब टूटा तो दोस्तों दो भागों में टूटा, एक तो नॉर्थ वाले पार्ट को दोस्तों हम लोग अंगारा लैंड या लॉरेंसिया बोलते हैं, और साउथ वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद दोस्तों अगेन दोस्तों क्या हुआ, इसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पुनः टूटे। अंगारा लैंड टूटा तो दोस्तों ये दो पार्ट में टूटा दोस्तों, क्या दोस्तों, दोस्तों एक तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका, दूसरा दोस्तों यूरेशिया, और दोस्तों गोंडवाना लैंड जब जो टूटा तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एवं ऑस्ट्रेलिया में विभाजित हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, इन महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। विस्थापन के लिए दोस्तों क्या जिम्मेदार है, तो दोस्तों कुछ फोर्स जिम्मेदार है, जिसके वजह से उन्होंने बताया कि दोस्तों जो वेस्ट की ओर जो कॉन्टिनेंट प्रभावित हुए उसके लिए दोस्तों जिम्मेदार है टाइडल फोर्स। देखो मून का कुछ टाइडल फोर्स लगता है, जिसके वजह से दोस्तों क्या हुआ, ये दोस्तों क्या हुआ, ये वेस्ट की ओर प्रभावित हो गए, जो दक्षिणी अमेरिका और जो सॉरी दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो वेस्ट की ओर प्रभावित हुए उसके पीछे का कारण है मून का टाइडल फोर्स, है ना, चंद्रमा का है ना ज्वारीय बल, ठीक है। और दोस्तों क्या हुआ है, जो ये दोस्तों क्या है कि ये जो यूरोप है एंड दोस्तों ये जो यूरेशिया है और दोस्तों ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है ये जो नॉर्थ की ओर या विषुवत रेखा की ओर प्रभावित हुए हैं, तो इसके पीछे का रीजन दोस्तों क्या है, एक तो दोस्तों क्या हुआ है दोस्तों अर्थ का रोटेशन दोस्तों, ठीक है, और दूसरा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से दोस्तों क्या हुई है, ये वेस्ट की ओर सॉरी दोस्तों ये दोस्तों क्या हुआ है, इक्वेटर की ओर या नॉर्थ की ओर प्रभावित हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों आज की ये लोकेशन इस तरीके से इनको इन्होंने बताया, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो ये इतना बात थी इनकी, ठीक है, और ये आज इस स्थिति में हम देखते हैं, ठीक है। और जब ये विस्थापित हुए तो दोस्तों जब ठीक है जब ये विस्थापित हुए यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जब ये वेस्ट की ओर प्रभावित हुए तो बीच में दोस्तों एक सागर बना जिसका नाम अटलांटिक महासागर बताया इन्होंने, ठीक है। और दोस्तों जब इंडिया दोस्तों क्या हुआ दोस्तों ईस्ट की ओर प्रभावित हुआ तो दोस्तों बीच में दोस्तों क्या हुआ, ये हिंद महासागर का निर्माण हुआ, और इसके चारों तरफ दोस्तों जो एरिया बचा उसको दोस्तों उन्होंने प्रशांत महासागर का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से उन्होंने कॉन्टिनेंट और महासागर की उत्पत्ति का इन्होंने बताया, सिद्धांत बताया, ठीक है। अब इसके कुछ लिमिटेशन है, कुछ डिमिलिमिट, कुछ ला इसके दोस्तों कुछ देखेंगे हम लोग क्या क्या इन्होंने अच्छी चीज़ें बताई कि जहाँ से दोस्तों क्या हुआ आगे की थ्योरीज डेवलप हुई, और कुछ इन्होंने दोस्तों अपने साक्ष्य भी दिए कि हमने जो बताया है उसके पीछे का प्रमाण उन्होंने दिया है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब मैंने दोस्तों इसको लगभग 3-4 बार बता दिया है, अब आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि अल्फ्रेड की जो अल्फ्रेड वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी है यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो थ्योरी सिद्धांत है वो किस तरीके से था, इन्होंने किस तरीके से दिया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट करके बताएं दोस्तों कि क्या और चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का दोस्तों वेट करता हूँ कि आप लोग करें तो मैं रिस्पॉन्स करूँगा दोस्तों किस तरीके का आप लोग चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग फिर कल मिलेंगे दोस्तों, तो और बाकी हाँ दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को दोस्तों जरूर वीडियो शेयर कर दिया करें, जो भी पढ़ने वाले आपके जानने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों ना, उस तरीके से शायद यहाँ पर बहुत कम यूट्यूब वाले आपको मैं देखो बढ़ाई नहीं करता दोस्तों, आप खुद पहले मेरे से पढ़ें फिर जाके आप दोस्तों दूसरे जाके पढ़ें, आपको फील होगा। थ्योरीज सब बताते दोस्तों, बट थ्योरीज के पीछे का लॉजिक, सारी चीज़ें किस तरीके से डेवलप हुई हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं एक दूसरे से, उसकी कुछ पृष्ठभूमियाँ होती हैं, कुछ बैकग्राउंड होता है हर थ्योरी का, वो मैंने आपको बैकग्राउंड भी दिया दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था कि दोस्तों किस तरीके फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स, कुछ इंटरनल फोर्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यूट्यूब पर कहीं मिलेगी नहीं, आप सर्च करिए दोस्तों, भर भर के दोस्तों लोग पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो हम लोग चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, लाइक कमेंट भी दोस्तों वीडियो करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, फिर कल हम लोग मिलेंगे दोस्तों, बाय, जय हिंद दोस्तों।